हर हर महादेव। शिवपुराण के इस सीरीज में आप सुनेंगे श्री रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड को कुमार खंड भी कहा जाता है। कुमार खंड में कुल अध्यायों की संख्या 20 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुमार खंड का पहला अध्याय, शिव पार्वती विहार। जिनका मन वंदन करने से प्रसन्न होता है, जो प्रेम प्रिय हैं और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो पूर्णानंद हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय और सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव की मैं चरण वंदना करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप समस्त देवताओं और प्राणियों का मंगल करने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि देवाधिदेव करुणानिधान भगवान शिव तो अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ हैं, फिर भी जिस अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरजानंदिनी पार्वती से विवाह रचाया था, क्या वह पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु, कृपया कर मेरे इन जिज्ञासाओं की शांति हेतु मुझे इनके बारे में विस्तृत रूप में बताइए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने यह पूछा, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे, तब वहाँ सबने मंगल उत्सव किया। सभी खुशी में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवताओं और मुनिगणों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। सब देवताओं के कैलाश पर्वत से चले जाने के पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य और निर्जन स्थान पर चले गए और वहीं सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान व्यतीत कर दिया। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था, परंतु भगवान शिव का पुत्र अब तक उत्पन्न नहीं हुआ था। यह जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात पर विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक शिव जी ने पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किया। वे सोचने लगे कि शिव जी अब क्यों विलंब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे हरे, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती जी के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु अब तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति नहीं हुई है। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप इस विषय में इतनी चिंता मत कीजिए। शिव जी स्वयं अपनी इच्छानुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भी भोगना पड़ता है।
अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो, अभी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर सोचने के पश्चात श्रीहरि ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप सब लोग शिव जी के पास जाना तथा कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करना कि उनका शक्तिपात किसी भी प्रकार से हो जाए। उसी शक्ति से हमें उनके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इस समय आप सब देवता अपने अपने धाम को चले जाएं। भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करने दें। सब देवताओं को समझाकर श्रीहरि वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीहरि के चले जाने के उपरांत सब देवताओं ने अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिव जी का पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का भय और आतंक का साया दिन पर दिन और बढ़ने लगा। देवताओं सहित ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन उसने दूभर कर दिया। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी। तब श्री विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि और मैं भगवान शिव से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उनके गणों से जब हमने महादेव जी के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव माता पार्वती के पास उनके मंदिर में गए हैं। तब श्रीहरि ने शिवगणों से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहाँ उनके निवास के द्वार पर पहुँचकर सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें मन में प्रणाम कर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। दूसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, भला उनसे कोई बात किस प्रकार छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि मैं विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर उनके द्वार पर आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सबसे मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकारते हुए बोले, आप सब एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं? तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि हे देवाधिदेव करुणानिधान भगवान, तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, अब तो उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव दुखी हो गए और कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचने के बाद बोले, हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनकर धारण कर लें। सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास
वापस नहीं पहुँचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने बाहर चली आईं। वहाँ जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय उनकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थीं। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह शाप देकर देवी पार्वती वहां से चली गईं। उनके साथ शिव जी भी वहां से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए थे। तब सब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमें इस जलन से मुक्ति दिलाएं। हम सब की पीड़ा अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर से वमन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी भी प्रकार कम नहीं हो रही थी। उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। मेरी बात मानकर अग्निदेवता ने भक्तवत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवाधिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर लिया। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान, मुझ पर कृपा कर इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। अपने किए का दंड आप काफी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थित कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगीं। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिव जी के शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को
जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। समयानुसार वे छह ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें व्याभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन न कर सकें और उसे अपनी तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय और विश्वामित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहां क्या और कैसे हुआ? तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया, तभी वहां मुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक का दैदीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से तुम यहां प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर है, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे इस स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही प्रेरित है, इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? अपने विषय में मुझे बताइए। तब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पूर्व आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने स्वयं वहां जाकर उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियां और शस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा तथा वहां की संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना भयभीत हुए उसने उन सबको भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देखकर सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार किया।
इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उन्होंने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नेगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से चार स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचा के लिए कहीं दूर जाकर छिप गए। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गया। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था, एक सुंदर सरोवर में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थीं। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उससे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़ कर ले आई। तब उन कृतिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया और तब वे आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगीं। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सब माताओं का स्तनपान किया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने लोक में ले गईं और उसका लालन पालन करने लगीं। चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर वे कृतिकाएं अपने लोक में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया और बड़े लाड़ प्यार से उस बच्चे को पालने लगीं। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई? देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, मेरा और सब देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि भगवान शिव ने हमें बुलाया है, हम सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि मेरी वह अमोघ शक्ति कहाँ है, शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे वह शक्ति जहां जहां गई थी, वह सभी बातें शिव पार्वती को विस्तार सहित बताई। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं अपने साथ अपने लोक को ले गई हैं और उसको पाल रही हैं। यह सुनकर शिव जी व देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतिकाओं के पास से वापस ले आने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण, क्षेत्रपाल और भूत प्रेत गण लाखों की संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सबने वहां पहुंचकर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब कृतिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचने का मार्ग खोजना पड़ेगा।
यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझें। मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व की कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं को नुकसान पहुँचाते, नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहारकर्ता भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको साथ ले जाने आया हूँ। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आपके लिए चिंतित हैं। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ है। अतः आप हमारे साथ चलें। वहां पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे तथा सब देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहां मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शनों के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियां प्रकृति की कला है। इन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पौष्य पुत्र हूं। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें वहां से जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। पांचवा अध्याय, कुमार का अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहां से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था और द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गईं और कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करें। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तुम्हें शीघ्र ही वापस लौटाना। यह कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें ले उड़ा। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे, विष्णु जी, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर
उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्तिकेय का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवता कार्तिकेय से मिलने के लिए आ रहे थे, उस समय चारों दिशाओं में शंख और भेरी बजने लगी। सभी शिवगण नाचते गाते और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में बैठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से मंगाए हुए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। छह कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय के नाम से जाना गया। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान कराने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं और अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया तो देवी सावित्री ने सारी सिद्धि विधाएं उन्हें प्रदान की। फिर श्री विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, संहारास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायुदेव वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्यदेव ने मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकूत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेकों प्रकार के अस्त्र, शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवताओं और शिवगणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ रही थी। छठवां अध्याय, कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभीष्ट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जा बैठे। तभी वहां एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिया और बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा करके मेरे कष्ट को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और आदरपूर्वक अपने पास बैठाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा।
तब वह ब्राह्मण बोला, हे भगवन, मैं अश्वमेघ यज्ञ कर रहा हूं, परंतु आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दें, अन्यथा मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण पुनः कार्तिकेय के चरणों को पकड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह रोते रोते बोला, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं, आप सब देवताओं के स्वामी हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पुत्र हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गण वीर बाहु को बुलाकर उस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढ लाने की आज्ञा प्रदान की तथा यज्ञ को विधि विधान के अनुसार पूर्ण कराने के लिए कहा। तब वीर बाहु ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पृथ्वी लोक पर हर जगह उस घोड़े को ढूंढा। जिस व्यक्ति ने जो भी जानकारी दी, उसके अनुसार वीर बाहु ने हर जगह उसकी तलाश की, परंतु वह असफल रहा। तब वह उस घोड़े की तलाश करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ धाम गया। वहां जाकर वीर बाहु ने देखा कि एक घोड़े ने विष्णु लोक में बहुत आतंक मचा रखा था। विष्णु लोक में वह घोड़ा खूब उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के उस गण वीर बाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास ले आया। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और उस घोड़े को पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करने का आदेश प्रदान किया। वह अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौट आया। तब कुमार कार्तिकेय उस घोड़े से उतरकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगा और उनसे बोला कि प्रभु, आप यह घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तब कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह घोड़ा उत्तम है और यह वध के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने के लिए न कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देता हूं। मेरे आशीर्वाद से आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा। सातवां अध्याय। भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय को सौंपना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र और मैं भी बहुत हर्षित हुए और भगवान शिव से बोले, हे देवाधिदेव भगवन, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं, संसार की सब घटनाएं आपकी इच्छा से ही घटती हैं। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा असुरराज तारक को दिए गए वर के अनुसार शिव पुत्र ही उसका वध करने में सक्षम होगा, इसलिए ही कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वह
तारकासुर का वध करें। यह कहकर सब देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हम सबकी प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को यह आज्ञा दी कि देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करे और देवताओं के दुखों और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करे। अपने पिता भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और पिता महादेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे पिता, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार, निश्चय ही तुम अपने इस प्रथम युद्ध में अपने घोर शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी हो गए। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इधर देवी पार्वती के हृदय में अपने प्रिय पुत्र के युद्ध में जाने की बात सुनकर ही पीड़ा होने लगी। वात्सल्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत दुखी हुई और कहने लगे, हे नाथ, हे देवादिदेव, मेरा पुत्र कार्तिकेय अभी बहुत छोटा है और वह तारकासुर महाबलशाली और शक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं को भी परास्त कर दिया है। जब इतनी शक्तियों के स्वामी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो मेरा यह नन्हा सा पुत्र भला कैसे उसको हरा सकता है। मेरा दिल मुझे कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा नहीं देता है। मैं अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हूँ। यह वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव जी देवी पार्वती को समझाते हुए बोले, हे देवी, हे शिवा, आप सामान्य स्त्रियों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं? यह मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महाशक्तिशाली और वीर योद्धा है। देवताओं ने इसे अपनी अभीष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। कार्तिकेय की जीत निश्चित है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंतित न हो और अपने पुत्र को खुशी खुशी तारक के वध के लिए भेजें। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कार्तिकेय को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब सब देवताओं का भय दूर हुआ और उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 8वां अध्याय, युद्ध का आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा प्रदान की तो सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और एकत्र होकर उस पर्वत की ओर चल दिए। सिंहनाद करते हुए वे आगे बढ़ने लगे। उस समय कार्तिकेय सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहे थे। सब देवता मन में यही सोच रहे थे कि अब उन्हें तारकासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। जब तारकासुर को इस बात का पता चला कि देवताओं ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है तो तारकासुर ने भी तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। अपनी विशाल चतुरंगणी सेना को लेकर तारक भी सिंहनाद करता हुआ देवताओं की ओर बढ़ने लगा। राक्षसों की सेना देखकर
एक पल के लिए देवता घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, तुम लोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे हो, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तारकासुर कार्तिकेय के हाथों अवश्य मारा जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया और उनका डर दूर हो गया। उस समय दुंदु भी और अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। तब देवता और राक्षस युद्ध करने के लिए पृथ्वी और सागर के संगम पर पहुंचे। दोनों पक्षों में बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की भयंकर गर्जना से पृथ्वी भी डोलने लगी। देवताओं की सेना का नेतृत्व शिवपुत्र कार्तिकेय कर रहे थे। उनके पीछे पीछे देवराज इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना थी। कार्तिकेय उस समय इंद्रदेव के ऐरावत हाथी पर विराजमान थे। तब उन्होंने उस हाथी को छोड़ दिया और रत्नों से जुड़े सुंदर यान पर बैठ गए। उस सुंदर विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत्र रखा। उस सुंदर विमान में बैठकर कार्तिकेय बहुत निराले और शोभा संपन्न लग रहे थे। उसी समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और पल भर में खंड मुंडों में बदलने लगी। हजारों सैनिक जो पराक्रम से लड़ रहे थे कट कट कर और घायल होकर धरती पर गिरने लगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगीं। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बहुत से भूत प्रेत और गीदड़ गिदड़ी उस मांस को खाने और खून पीने के लिए वहां आ गए। तभी महाबली तारकासुर ने विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे और तारकासुर भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ता गया। चारों ओर भयानक शोर मचा हुआ था। आक्रमण करते समय सैनिक बड़े जोर जोर से अपने मुंह से आवाज निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। देवताओं और राक्षसों का युद्ध बड़ा विभत्स रूप ले चुका था। वहां भारी कोलाहल मचा हुआ था। तत्पश्चात देवताओं और असुरराज तारक के राक्षसगण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे थे। एक दूसरे को मारकर वे अपने को बहुत बलशाली समझ रहे थे। वे पूरे बल के साथ एक दूसरे पर प्रहार करते। कोई किसी के हाथ तोड़ देता तो कोई पैर। दोनों सेनाएं अपने को पराक्रमी समझ रही थी। 9वां अध्याय, तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा विनाशकारी युद्ध होने लगा। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति चलाकर इंद्रदेव को घायल कर दिया। इसी प्रकार दानवों की सेना के वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवगणों को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होते देखकर असुर खुशी में झूम उठे और भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरभद्र क्रोधित होकर तारकासुर के निकट पहुंचे। असुरों ने वीरभद्र को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने परस्पर पाश, खड़ग, फरसा और पट्टिश आदि आयुधों का प्रयोग किया। देवता और असुर आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर से लड़ने लगे। वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर पर आक्रमण किया और उसको त्रिशूल के प्रहार से
घायल कर दिया। घायल होकर तारक जमीन पर गिर पड़ा, परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और पुनः खड़े होकर वीरभद्र से युद्ध करने लगा। महाकौतकी तारक ने भीषण मार से वीरभद्र को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उसने वहां युद्ध कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया। तारक देवताओं पर अपने बाणों की बरसात करने लगा। तारकासुर के इस अनायास बाणों की वर्षा से देवता भयभीत हो गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आ गया है। श्री हरि ने गदा से तारकासुर पर ज्यों ही प्रहार किया, उसने विशिष्ट बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने शारंग धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने प्रहार करके उन्हें गिरा दिया तो श्री विष्णु ने गुस्से में सुदर्शन चक्र चला दिया। नारद, तब मैंने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपके श्री हाथों से ही होगा, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर कार्तिकेय रथ से नीचे उतर गए और पैदल ही तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में उनकी शक्ति थी, जो लपटों के समान चमकती हुई उल्का की तरह लग रही थी। छह मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला, देवताओं, क्या यही बालक है तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार, जो शत्रुओं का पल में विनाश कर देता है? यह कहकर तारकासुर जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि इस बालक के साथ तुम सभी को मार दूंगा, तुम इस बालक की मेरे हाथों हत्या कराओगे। ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करता हुआ वह कुमार कार्तिकेय की ओर पलटा और बोला कि हे बालक, ये मूर्ख देवता तो व्यर्थ में तुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, पर मैं इतना कठोर नहीं हूं कि बिना किसी अपराध के एक मासूम बालक पर वार करूं, इसलिए जा, तू भाग जा, मैं तेरे प्राणों को छोड़ देता हूं। देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करने से तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का सारा पुण्य नष्ट हो गया था। तभी इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। तब कुछ ही देर में तारकासुर पूरे उत्साह के साथ पुनः उठ खड़ा हुआ और अपने भीषण प्रहार से उसने देवराज इंद्र को घायल कर दिया और उन पर अपने पैर का प्रहार किया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। तभी श्री हरि विष्णु ने इस स्थिति को संभालने के लिए तारकासुर पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने तारकासुर को धाराशायी कर दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठकर खड़ा हो गया। तब उसने अपनी प्रचंड शक्ति हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उन्हें अपने भीषण प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां का यह दृश्य देखकर सभी देवताओं में कोहराम मच गया। सब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी सेना तितर बितर होने लगी। यह देख वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को अपनी शक्ति से घायल करके मूर्छित कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। दसवां अध्याय, तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, नारद,
यह सब देखकर कुमार कार्तिकेय को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया और वे अपने माता पिता भगवान शिव के श्री चरणों का स्मरण कर अपने असंख्य गणों को साथ लेकर तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर सभी देवताओं में उत्साह की एक लहर दौड़ गई और वे प्रसन्न मन से कार्तिकेय की जय जयकार का उद्घोष करने लगे। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कार्तिकेय का बड़ा भयानक दुस्सह युद्ध हुआ। दोनों परमवीर और बलशाली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। दोनों अनेक प्रकार के दाव पेचों का प्रयोग कर रहे थे। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच मंत्रों से भी युद्ध हो रहा था। दोनों अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग एक दूसरे को मारने के लिए कर रहे थे। इस भयानक युद्ध में दोनों ही घायल हो रहे थे। युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। उस भीषण युद्ध को सब देवता गंधर्व बैठकर देखने लगे। वह अद्भुत युद्ध अनायास ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। हवा चलना भूल गई, सूर्य की किरणें ठहर गईं, यहाँ तक कि सभी पर्वत इस युद्ध को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठे। वे शिव पार्वती के इस पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंत उधर आ गए। यह देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतो, आप कोई चिंता न करें। आज इस महापापी को मैं सबके सामने मौत के घाट उतारकर भय से मुक्ति दिलाऊंगा। जब कार्तिकेय पर्वतों से बात करने में निमग्न थे, उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर उन पर धावा बोल दिया। उस शक्ति के प्रहार के आघात से शिवपुत्र कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण वे अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठ खड़े हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय ने अपने मन में अपने माता पिता पार्वती जी व भगवान शिव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और अपनी प्रबल शक्ति से तारकासुर की छाती पर आघात किया। उसकी चोट से तारकासुर का शरीर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सबके देखते ही देखते वह महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली तारकासुर के मारे जाते ही चारों ओर कार्तिकेय की जय जयकार गूंज उठी। तारकासुर के वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। तब अपने महाराज तारकासुर को मरा जानकर असुरों की विशाल सेना में भयानक कोलाहल मच गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सभी असुर इधर उधर भाग रहे थे। देवताओं ने मिलकर सभी असुरों को मार गिराया। कुछ असुर डरकर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तो बहुत से दैत्य और राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिकेय की शरण में आ गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया और उन दानवों को आदेश दिया कि वे सदैव के लिए पाताल में चले जाएं। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर उसकी सारी सेना पल भर में नष्ट हो गई। यह देखकर देवराज इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं और संसार के प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ पड़े। पूरा त्रिलोक आनंद में डूब गया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचा, वे तुरंत अपने गणों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर पधारे। श्री पार्वती जी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर बहुत देर तक उसे चूमती रहीं। तभी वहां पर पर्वतराज हिमालय भी पहुंच गए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की स्तुति की। चारों दिशाओं से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल ध्वनि हर ओर गूंजने लगी। हर तरफ उनकी ही जय जयकार हो रही थी।
देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र ने अपने साथी देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय की हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर शिवगणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। 11वां अध्याय। बाणासुर और दैत्य प्रलंब का वध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब यह देखकर सभी देवताओं ऋषि मुनियों सहित जन साधारण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे। सभी देवताओं ने मिलकर भक्तिभाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तभी क्रौंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय के पास आया। वह क्रौंच बाणासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भक्तिभाव से स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे प्रभु, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय ने पर्वतराज कौंज की स्तुति से प्रसन्न होकर कौंज को सांत्वना दी। जब पर्वतराज कौंज शांत हो गए तब कुमार कार्तिकेय ने उन्हें उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव का स्मरण करके वहीं से अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय ने उस दुष्ट राक्षस बाणासुर पर किया था। तब वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय के पास लौट आई। यह शक्ति जब उनके पास वापस पहुंच गई तब वे क्रौंच से बोले, हे पर्वतराज कौंच, अब आपको बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बाणासुर को मारकर तुम्हारी इस परेशानी को सदा सदा के लिए हल कर दिया है, अतः अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाओ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रौंच बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर क्रौंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर नामक ये 3 शिवलिंग विश्व विख्यात हैं और लोगों की आस्था और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये शिवलिंग सिद्धिदायक है और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। पर्वतराज क्रौंच के अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कुमार कार्तिकेय से कहा कि कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से यहाँ महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था। इस अभीष्ट कार्य की पूर्ति हो चुकी है, अतः अब आपको कैलाश पर्वत पर लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे गिरजापुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी संहार कर दिया।
उस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मरा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की और अपने निवास स्थान पाताल को चला गया। 12वां अध्याय, कार्तिकेय का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब कार्तिकेय द्वारा दैत्यराज बाणासुर और प्रलंबासुर को भस्म कर दिया गया, तब सभी देवताओं ने सहर्ष कार्तिकेय का स्तवन किया। देवता बोले, हे देव, हम राक्षसराज तारक का वध करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। हे शंकर नंदन, हे गिरिजापुत्र, आपने बाणासुर और प्रलंबासुर नामक राक्षसों का संहार कर इस त्रिलोक के संकटों को दूर किया है। आपकी भक्ति पवित्र है तथा आपका स्वरूप विघ्नों का नाश कर अभय प्रदान करने वाला है। हम सब स्वच्छ मन से आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। कुमार, हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सदैव हमारे कष्टों और संकटों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। देवताओं द्वारा की गई इस अनन्य स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सभी देवताओं को सहर्ष उत्तम वरदान प्रदान किए तथा भविष्य में सदैव सहायता करने का उन्हें वचन दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय बोले, हे भूधरो, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या में लीन रहने वाले साधकों द्वारा पूजनीय होंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फलदाता सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारक का वध करके आपने इस चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की प्रसन्नता के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे सब आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे। विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। कुमार कार्तिकेय ने भी अपने माता पिता को सेवा भाव से प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता से अपने पुत्र का मुंह चूम लिया और बहुत स्नेह किया। देवी पार्वती ने कुमार को अपनी गोद में बिठाकर खूब चूमा। यह देखकर सभी देवता आनंद में मग्न होकर शिव, पार्वती और कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और मैंने देवादिदेव शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया देवी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करने लगे। 13वां अध्याय, पार्वती द्वारा गणेश की उत्पत्ति। सूत जी कहते हैं, कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा करुणा निधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर
मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के विषय में जानना चाहता हूँ, उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनिश्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्षपूर्वक बोले, नारद, तुम गणेश उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूँ। एक बार की बात है, देवी पार्वती की दो सखियाँ जया और विजया, जो सदा से ही उनके पास रहती थीं, उनके पास आईं और बोली, हे सखी, यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली कि भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है, हम दोनों एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में और सदा शिव में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर उनकी सखियाँ आगे कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गईं। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा कर गई थी। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक ना पाए। देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्य कुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित न हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए अब क्या कार्य है बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरे अनुमति के बिना प्रविष्ट न हो। कोई कितना भी हठ क्यों न करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूम कर अंदर स्नान करने के लिए चली गईं। गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। जब वे द्वार पर पहुँचे तो गणेश ने उनसे कहा, हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं, अतः आप यहाँ से चले जाएं तथा बाद में आएं। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी।
चूंकि गणेश जी ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें वे नहीं पहचान सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं शिव हूं। मैं ही पार्वती का पति हूं और अपने ही घर में जा रहा हूं। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। 14वां अध्याय, शिव गणों का गणेश से विवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा, परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा फटकारा, तो वे भी गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहां से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश को क्रोध आ गया और वे कठोरता पूर्वक शिव गणों से बोले कि तुम इसी समय यहां से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहां से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि शीघ्र ही यहां से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिवगणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को डांटा और धमका कर वहां से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए न कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। 15वां अध्याय, शिव गणों से गणेश का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को
किसी भी प्रकार से हटा दें। तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूँ। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुमसे विनम्रता से कहने नहीं आए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिव जी का कोई भी गण गणेश को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर दिया। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डट कर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें कह सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्री हरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिव जी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है। अतः मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को भी मार पीट कर वहाँ से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं, तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहाँ आया देखकर गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मुझे नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं वहाँ से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिव जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए चल दिए। 16वां अध्याय, गणेश जी का शिरोष्ठ छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण, देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए, तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिव जी को एक पल अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक के धृष्टता का स्मरण हो आया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझे भी प्रताड़ित किया था।
भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिव जी के हाथ का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी हैं। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है। परंतु गणेश भी यह न समझ सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजेय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिवगणों के साथ मैं भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपने हठ से पीछे हटने को तैयार न हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। 17वां अध्याय, पार्वती का क्रोध एवं गणेश को जीवन दान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे आगे के वृतांत के बारे में बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है?
हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देव सेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नज़ारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्रीहरि विष्णु बहुत चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दैवीय शक्तियों को न रोका गया तो पल भर में ही देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूल कर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रहीं। कुछ समय सोच कर बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि देवताओं, तुम परेशान मत हो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आए। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछ कर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु ने
भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया था। अठारहवां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहां क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की तब भगवान शिव भी प्रसन्नतापूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करती हुई बोली, पुत्र, यही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात हम सबका। यदि ऐसा न किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने विष्णु जी, पार्वती
और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। 19वां अध्याय, गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब ओर आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया। परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय हो गए। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव दो पल के लिए मौन हुए, फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मुंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, अर्घ देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उनसे स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और कलेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है।
विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया था। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुदुम्बियां बजने लगीं। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगीं। सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। 20वां अध्याय, पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, गणेश विवाह व कार्तिकेय का रुष्ट होना। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृतांत सुनाया। अब मुझे यह बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए तब उसके पश्चात वहाँ क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत लाड प्यार करते हैं। वे दोनों अपने माता पिता की
भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते थे, जिससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश व कार्तिकेय युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः हमें अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ये विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में हैं कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इसलिए हमने एक युक्ति निकाली है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े। परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया और पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने हर्षपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिव शिवा के ये वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा का अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा 1 बार नहीं बल्कि 7 बार कराया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र, पर्वत और काननों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कराए? तुम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है, इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता के श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है, वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर हैं, भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा कर बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ?
इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के बल का प्रयोग भी संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। अतः हमें तुम्हारा विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन कर उसे स्वीकार कर लिया, तब गिरजानंदन प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती जी के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए वधु की खोज कहाँ करें। जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्ति भाव से शिव शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनसे कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा, तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपके पास अपनी दो पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु, सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव शिवा ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस शुभ अवसर पर सब देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्निक ढेरों आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान किए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंदपूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से प्राप्त पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफ़ी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उनकी भेंट नारद तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का दो सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया है। अब तो उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंदपूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है। नारद, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अतिशीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की।
कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहाँ से भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता। परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं। मेरे होने ना होने का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूँगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहाँ से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद, उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यमयी एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थीं। वे शिव जी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गईं। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ विराजमान हैं। उस दिन से शिव शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पाप नाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इसलिए निष्काम भक्तों को इसको अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र के साथ कुमारखंड संपूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप श्री रुद्र संहिता का पंचम खंड, जिसे युद्ध खंड कहा जाता है, उसका श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।